आप रात को सो नहीं पा रहे हैं टेंशन की वजह से, उसका इलाज यह है कि आप वुजू करके खड़े हो जाएं और अल्लाह के सामने खड़े होकर के फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, और उस वक्त अपने जहन में लाएं, अपने जहन में ये लाएं, क्या मैं हदीस सुनाता हूँ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंजिलुल्लाह तबारक व तआला इला समाए दुनिया फी कुल्ली लैलतिन, अल्लाह ताला शानु हर रात आसमान अव्वल पर उतर करके आते हैं, और एक हदीस में रात के अखीर में उतर करके आते हैं, फयकूल, फिर अल्लाह कहते हैं हल मिन साइलिन फउती, कौन मांगने वाला है मैं अता करूंगा। तो आप उस वक्त जब खड़े हो जाएंगे वजू करके गुसल करके खड़े हो जाएंगे जाय नमाज पर और कमरा अंधेरा करके, फिर अपने दिल में लाइए अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, मैं सुन तो नहीं रहा हूं मगर मेरे नबी ने कहा है तो यकीन अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, अल्लाह कह रहे हैं मांगो क्या मांगना है, मैं या अल्लाह आपसे मांगता हूँ मुझे इस गम से निजात अता कर दे, मैं आपसे मांगता हूँ या अल्लाह इस मुसीबत से मुझे बचा ले, और या अल्लाह मैं जिस तरफ जाने वाला हूँ वहां जाने से मुझे पकड़ करके रोक ले। अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते थे खुज नी बिनासियती इल खैरात, या अल्लाह मेरी पेशानी के बाल पकड़ कर मुझे अच्छे रास्ते की तरफ चला दे, तो हमारा नबी कहता था। तो ठीक इसी तरह से हम बिलक बिलक करके जब उस वक्त आप दुआएं मांगेंगे, आप यकीन रखें 100% यकीन रखें आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। क्यों? इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला शानू कहेंगे मुझसे मांगो और जब हम मांगने लगेंगे फिर अल्लाह फरमाएगा मैं नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस जो मांगेंगे उस मांगने में आपको लुत्फ आएगा, उस रोने में आपका मजा आएगा, उस आंखों के निकलने उन आंखों के आंखों से जब आपका आंसू निकलेगा अल्लाह की याद के नतीजे में और अल्लाह से मांगते हुए, वो आंसू इतने ज्यादा कीमती हैं खुद आपके लिए और अल्लाह की बारगाह में खुद आपका एक किस्म का सुकून महसूस होगा, एक खास किस्म की खुशी महसूस होगी।